परम व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे अनधिपान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 50वें श्लोक से पढ़ेंगे। सर्वतस्व शरीरस्य द्वादशान्ते मनोलयात् दृढबुद्धिर्दृढीभूतम् तत्त्वलक्ष्यं प्रवर्तते यथा तथा यत्र तत्र द्वादशान्ते मनक्षिपे प्रतिक्षणं क्षीणवृत्तेः वैलक्षण्यं दिनैर्भवेत् कालाग्निना कालपदात् उत्थितेन स्वकं पुरम् क्लुष्टं विचिन्तयेदन्ते शान्ताभासस्तदा भवेत् एवं मेव जगत् सर्वम् दग्धं ध्यात्वा विकल्पतः अनन्यचेतस पुंसः पुंभाव परमो भवेत् स्वदेहे जगतो वापि सूक्ष्म सूक्ष्मतराणि च तत्त्वानि यानि निलयम् ध्यात्वान्ते व्यज्यते पराम्। आध्यात्मिक जीवन में तीन चार बातों का ध्यान रखने से ध्यानाभ्यास बड़ी सरलता से होता है। कठोपनिषद के अंत में ये बात बताई गई है। उसमें पहली बात बताते हैं अंगुष्ट मात्र पुरुषः, यह जो व्यक्ति है उसने पहले अपने आप को स्थूल शरीर से मैं भिन्न हूं इसका अभ्यास अपने जीवन में करना है। और जब ये अभ्यास शुरू हो जाता है कि मैं स्थूल शरीर से भिन्न हूं,
तो इस अभ्यास का परिणाम अपने जीवन में दिखता है या नहीं? यदि इसका परिणाम अपने जीवन में नहीं दिख रहा है तो हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं केवल दिल बहलाने के लिए, गालिब ख्याल अच्छा है, वास्तविकता कुछ नहीं है। तो यदि हम स्थूल देह से भिन्न है पहली सीढ़ी, और इसका यदि अभ्यास हम करेंगे तो पहले मैं स्थूल देह से भिन्न हूं, इसका अर्थ क्या है ये हमको समझना है। और ये अर्थ यदि समझ में आया तो इसका परिणाम हमारे जीवन में क्या है। जैसे एक मित्र है हमारे, डॉक्टर है, और बहुत मदिरा पान करते हैं बुरी तरह से, दूसरों को ट्रीटमेंट देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जहां तक उनका सवाल है, वो सुबह से लेकर के जो उनकी स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाती है, तो उनके पत्नी ने हमको कहा कि स्वामी जी ये केवल आप ही की बात मानते हैं, तो आप उनको कहे कि क्यों नहीं देखते। तो हमने कहा वो हमारी बात इसलिए मानते हैं कि आज तक हमने उनको कुछ मानने के लिए नहीं कहा, इसीलिए वो आपको कल्पना हो रही है। और हम कोई कच्चे गुरु के चेले नहीं है, हम किसी को उपदेश नहीं करते खामोखाम। तो क्या उनको मालूम नहीं है? तो जो ज्ञान अपने जीवन में ना उतरे उस ज्ञान का तो हम बोझा ढो रहे हैं। इसलिए जब हम सभी सामान्य लोगों के जैसे रहते हैं, खाना पीना, क्लबों में जाना, ड्रिंक्स करना और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ये जब सब करते हैं तो समाज हमको वैसे के वैसे स्वीकार कर लेता है, नहीं आजकल का जमाना ही ऐसा है। लेकिन आप यहाँ भगवद गीता, उपनिषद, विज्ञान भैरव, सुबह उठ करके मेडिटेशन, हाथ में जप की माला और श्री राम जय राम जय जय राम का जप लिखना, ये सब करना शुरू करो तो उसके बाद हर चीज को लेकर के ताने कसने शुरू हो जाते हैं। ये गीता का अध्ययन करने के बाद ऐसे ही होता है। फिर भी मैंने आपको बताया था कि सत्संग में मत जाया करो, है ना। अब उसमें क्या हो रहा है, हम ज्ञान का केवल बोझा ढो रहे हैं अपने शरीर पर, अपने मन पर। तो यदि हमने इसको स्वीकार किया, आप देखो इसको स्वीकार करने के लिए पढ़ने पुढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको केवल एक्सट्रीमली एक्यूटली इंटेंसली अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि यदि मैं इस स्थूल शरीर से भिन्न हूं तो जगत की कोई भी वस्तु मुझ पर परिणाम नहीं कर सकती। दूसरी बात, जैसे मैं इस शरीर से भिन्न हूं वैसे दूसरे लोग भी अपने अपने शरीर से भिन्न है। तीसरी बात, ये शरीर के पूर्व मैं था, शरीर के मरने के बाद भी मैं रहूंगा। चौथी बात, आज मुझे जो कुछ यहां जगत में मिल रहा है वो मेरी ही पिछले जन्म के किए करतूतों की कमाई है, और आज मैं जो कुछ करूंगा उसी के द्वारा मैं अपने भविष्य का निर्माण कर रहा हूं। ये सब चीजों के बारे में जब हम जागृत हो जाएंगे तो हमने आध्यात्मिक जीवन में पदार्पण किया है। अब ऐसा जो व्यक्ति है जिसने अपने आप को स्थूल शरीर से भिन्न जीव के रूप में स्वीकार किया है, तो ये स्टेप यदि हमने जीवन में ली तो हमने नचिकेत का पहला वर जो उसने यमराज से मांगा था वो वर हमको मिल गया। अब दूसरा वर उसने मांगा था कि हमको स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में जाना माने क्या, तीन चीजों से प्रभावित नहीं होना। एक, स्थूल देह का जरा और मृत्यु, फिर
सूक्ष्म देह में प्राणमय कोष जो है उसकी भूख प्यास, और तीसरी मन में जो शोक मोह है, इन तीनों के द्वारा जब हम प्रभावित नहीं होते तब हम स्वर्ग में हैं। स्वर्गे लोके न भयम किंच नास्ति, न तत्रत्वम न जरया विभेति, उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे मोदते स्वर्ग लोके। तो यह दूसरा वर प्राप्त करना है तो हमको ये स्वीकार करना है कि भैया हम इस स्थूल देह से भिन्न है। अब ये दूसरी स्टेज आने के बाद फिर ध्यानाभ्यास शुरू होता है, उसके पहले नहीं। उसके पहले ध्यान का व्यंग चित्र है, आई डोंट वॉन्ट टू यूज द वर्ड कार्टून, है ना। तो ध्यान जो कर रहा है वो यदि इस जगत के विषयों से अभी भी ऊपर नहीं उठा है तो ध्यान किस चीज का करेगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। इसीलिए इस ध्यान करने का अधिकारी वो है जिसने अपने आप को इस एक जीवन के परिच्छेद से मुक्त कर लिया है। पहली स्थिति, अब ये दूसरी स्थिति, जब ये जीव है। अब इस जीव को आगे सोचना है कि यह जो मैं इस शरीर से भिन्न हूं तो इसका मतलब क्या है, उसका परिणाम क्या है। परिणाम हमने देखा कि जगत के विषय वस्तु इत्यादि हमको प्रभावित नहीं करते, ये परिणाम है, इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि मैं शरीर से भिन्न हूं, इसका मतलब यह है कि मेरा कोई आकार नहीं, क्योंकि शरीर का आकार है, मेरा कोई लिंग भेद नहीं क्योंकि शरीर को लिंग भेद है, मेरा कोई आश्रम नहीं क्योंकि शरीर में ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी आश्रम है, मेरा कोई वर्ण नहीं क्योंकि शरीर को ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि वर्ण है। तो जब मैं शरीर से भिन्न जीव हूं, ये जब मैंने अभ्यास प्रारंभ किया तो उसका परिणाम तो नजर आ रहा है, लेकिन उसी से हमको तसल्ली नहीं है। सवाल ये है फिर मेरा स्वरूप क्या है। इस स्वरूप के चिंतन के लिए जो अपने प्रकृति को अपने कब्जे में ला करके प्रकृति के परे जाने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं ध्यानाभ्यास। ये कौन कर सकेगा जिसने पहले अपने आप को स्थूल शरीर से भिन्न स्वीकार किया है। अब ऐसा जो साधक है उस साधक के लिए इस 54वें श्लोक में धारणा का अभ्यास बताया है। यह जो है धारणा का अभ्यास, इसमें कठोपनिषद का भी विषय विचार मिलता है। कठोपनिषद में आता है यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेद ज्ञानात्मनि, ज्ञानात्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांते आत्मनि। हम अपने वाणी को माने इंद्रियों को मन में ले आवे, विलय कर दे, और मन को बुद्धि में विलय कर दे, और बुद्धि को महत तत्व में विलय कर दे, और ये महत तत्व को अव्यक्त में जाने के पहले ये जान ले कि इसका आधार मैं हूं। तो ये प्रक्रिया कठोपनिषद में जो दी है वही यहां कही है। स्वदेहे अपने देह में जगतः वापी, या तो जगत में सूक्ष्म सूक्ष्म तराणी यानी तत्वानि निलयम कृत्वा, निलयम ध्यात्वा, निलयम लय माने एब्सॉर्प्शन, निलय माने ऐसा एब्सॉर्प्शन कि उसमें कोई संदेह नहीं रहे, निस्संदेह अपने आप को
उपाधियों से निकाल करके स्वरूप के पास ले जाने की प्रक्रिया। पहली बात स्वदेहे, इसके अनेक प्रकार है, एक दो प्रकार हम आपको बताएंगे। एक तो प्रकार ऐसा है कि ये जो धारणा का ध्यान का जो अभ्यास है, यह अपनी मन की जो प्रक्रियाएं है उन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना, और नियंत्रित होने के बाद उनको इस प्रकार से चलाना कि हम ये विचारों के परिच्छिन्नता से हट करके जो विचारों का विषय है परमात्मा उसमें एक हो जाए, उसको कहते चिंतन। तो चिंतन माने वह विचारधारा जिसका अंत विचारों के अभाव में हो जाता है, और चिंता माने वह विचारधारा जिसके द्वारा हम अनेक विचारों के समुद्र में कूद पड़ते हैं। तो हमको चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। अब इस चिंतन में बताते हैं एक विचारधारा ऐसी है कि अपना स्वदेह, अपना जो देह है इसमें अपने कमर के नीचे का जो भाग है उसको कहते हैं पृथ्वी तत्व। अब ये कमर से हट करके अपने नाभि तक का जो भाग है उसको कहते हैं जल तत्व, और नाभि से लेकर के अपने हृदय तक का जो भाग है उसको कहते हैं अग्नि तत्व, और हृदय से लेकर के अपने भ्रूमध्य तक जो भाग है उसको कहते हैं वायु तत्व, और भ्रूमध्य से लेकर के अपने ब्रह्मरंध्र तक जो भाग है वो है आकाश तत्व, और इस आकाश तत्व के ऊपर माने भ्रूमध्य ब्रह्मरंध्र के ऊपर में द्वादशांत स्थान पर वहां है प्रकृति या शक्ति, और उस शक्ति का जो आधार है वह परमात्मा या परम शिव या ब्रह्म। अब ये पूरा नक्शा हमारे सामने अपने बारे में है। अब इस नक्शे को सामने ले, जैसे हम ड्राइविंग करने के लिए निकलते हैं और बहुत लंबा जाना है, मालूम नहीं कहाँ जाना है, तो हम पूरा लिख लेते हैं कागज पर, और वो कागज अपने डैशबोर्ड पर वहां क्लिप से लगा देते हैं। पहले ये पेट्रोल पंप आएगा और वहां से दाहिने बाजू टर्न लेना, तो वहां जाने के बाद टिक मार्क एक तो आ गए, और आगे जाने के बाद फिर दूसरा पेट्रोल पंप आएगा वहां से बाएं तरफ करना दूसरा टिक मार्क। ऐसे करते करते आप इस प्रकार से अमुक अमुक स्थान पर पहुंच जाओ। वैसे ये हमारे स्वदेह में लेकर के इसमें ये पंच महाभूतों का क्षेत्र योग शास्त्र में बताया है। तो अपने टोज से लेकर के पैर के उंगलियों से लेकर के कटी भाग तक वो है पृथ्वी तत्व, उसके बाद नाभि तक के जल तत्व, नाभि से लेकर के हृदय तक के अग्नि तत्व, हृदय से लेकर के भ्रूमध्य तक के वायु तत्व, भ्रूमध्य से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक है आकाश तत्व, और उसके परे जो है द्वादशांत में ये शक्ति, और उस शक्ति का आधार परमात्मा जो अपना असली आपा है। अब इसको ये मैप हमारे सामने है जब ध्यान के लिए बैठेंगे, क्योंकि ध्यान का मानसिक व्यापार है तो इसको भी मानसिक दृष्टि से ही सामने लिखना है। ऐसे नहीं कि कागज में लिख करके रख दिया और दो दो मिनट में एक एक आंख खोल करके देखा ठीक तो जा रहे तो कुछ नहीं होगा। दिस हैज टू बी वेरी क्लियर इन आवर अंडरस्टैंडिंग। तो फिर शांत बैठे और फिर लय की प्रक्रिया इस प्रकार से है। अब हम अपने शरीर का जो निचला भाग है पृथ्वी तत्व, उसका हम अब जल तत्व में लय कर रहे हैं। इसका जब जल तत्व में लय करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि धीरे धीरे हमको ये स्पष्ट अनुभूति होती है कि मानो हमने अपने मन को अपने पैरों से हटा करके, जैसे
जब पानी में जाना हो नदी में तो पैंट को कैसे ऊपर खींचते हैं, उस प्रकार से हमने अपने मन को ये सभी दोनों पैरों में से ऊपर खींच लिया है। अब हमारा मन पृथ्वी तत्व और उस पृथ्वी तत्व की अभिव्यक्ति हमारे शरीर में जो पैरों के रूप में है वहां से रिलीज हो गया। नाउ द माइंड विच हैज टेकन द फॉर्म ऑफ आवर बॉडी, उसमें से जो नीचे का भाग है उतना आकार अब हमारे मन को परिच्छिन्न नहीं कर रहा है। देखो प्रत्येक वस्तु का ज्ञान तब होता है जब वो वस्तु हमारे मन में स्वीकृत होती है। जिस वस्तु को हमारे मन ने जगह नहीं दी उस वस्तु का ज्ञान हमको नहीं होता। तो जब हम इस देह के रूप में रहते कि मैं शरीर हूं, तो माने क्या है, हमारे मन ने इस शरीर का आकार धारण कर लिया है। अब इस मन ने शरीर का आकार धारण करने के पश्चात जितने विचार हो गए वो सभी के सभी विचार मन के अपने शरीर के संदर्भ में ही होंगे। इसको जरा ठीक से समझ ले। जैसे जब मैं अपने आप को समझो महाराष्ट्रीयन समझता हूं तो क्या हो जाएगा, जहां भी जाता हूं यदि कोई मुझे इकड़े तिकड़े वाला मिल गया तो अपना है, एकदम अपने विचार उन्हीं चीजों में फंस गए। और फिर बाकी के गुजराती है और बाकी के बंगाली है और बाकी के पंजाबी है, तो हमने अपने मन को एक परिच्छिन्नता में बांध लिया है कि मेरी मातृभाषा मराठी है, उसके द्वारा मैंने ही अपने आप को बाकी सभी भाषाओं से अपने आप को एलिनिएट कर दिया है, अलग कर दिया है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। उसी प्रकार से जब मैं अपने मन में इस शरीर को पकड़ लिया हूं, उसके बाद मेरे शरीर का ये आकार हो गया। अब ये आकार होने के बाद ये मन जो भी विचार करेगा वो सभी का सभी विचार अपने शरीर की परिच्छिन्नता के आधार पर ही होगा। तो ये ध्यानाभ्यास करना माने क्या, ध्यानाभ्यास करना माने अपने मन ने जो एक विशेष आकार धारण करके रखा है उस विशेष आकार को नष्ट कर देना है, उसको कहते हैं ध्यानाभ्यास। और इसीलिए शास्त्रों में लय प्रक्रिया बताई है। तो पहले शांत बैठ लिए, किसी भी प्रकार का हलचल नहीं, और उसके बाद जब हम अपने मन को, अब दुनिया तो खत्म हो गई और जिनके दिमाग में भी यही प्रॉब्लम है, स्वामी जी हम जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना तब मुझे याद आती है कि मैंने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, तो फिर अभी हम ध्यान करने के लायक नहीं है, खुली खुली बात है। फिर क्या करें, बच्चों की सेवा करो और उसी में भगवान को देखो। वन हैज टू बी एब्सोल्यूटली क्लियर अबाउट दिस, उसमें इतना भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसीलिए उपनिषद कहती है नायमात्मा बलहीने न लभ्यः, जो सेंटिमेंटल है मेंटल है उनके लिए नहीं है। तो बैठ लिए शांत, अब पूरा मन जगत से हट गया है। अब इस मन के ऊपर हमने हमारी प्रक्रिया शुरू हो गई कि इस मन को पहले पृथ्वी तत्व से हमको मुक्ति देनी है। तो इस शरीर के निचले भाग को वहां से मन को छुड़वा करके जब आए तब हम माने इस पृथ्वी को जल तत्व में लीन कर दिए। अब हमारे मन के लिए केवल चार महाभूत का बोझ है, क्योंकि एक महाभूत तो जल में विलीन हो गया। अब दूसरी बात, ये जो जल तत्व है मूलाधार से नाभि तक का स्थान, अब इस जल तत्व को अग्नि तत्व में लीन करना है। जब इसको जल तत्व को अग्नि तत्व में लीन किए अब वहां से हमारा मन पूरा हट करके अब हृदय के पास आ गया है। अब इस
अग्नि तत्व को वायु तत्व में लीन करना है, माने हमारे मन ने इस अग्नि तत्व का त्याग कर दिया, अब ये मन जो है इस अग्नि को वायु में लीन करने के लिए यहां से हट करके भ्रूमध्य तक आ गया, हृदय से निकल करके भ्रूमध्य तक आ गया, अनाहत चक्र से निकला और आज्ञा चक्र तक आ गया है। और अब यहां तक हमने वायु तत्व को लीन कर दिया है, वायु तत्व में लीन कर दिया है, अब ये वायु तत्व जो है इसको अब हमको आकाश तत्व में लीन करना है। जब हम ये आकाश तत्व में लीन करेंगे तो हमारा मन भ्रूमध्य से हट करके ब्रह्मरंध्र के पास आ गया। अब इस मन का आकार आकाशात्मक है, और आकाश क्या है, आकाश का अपना कोई भी आकार नहीं होता। इस प्रकार से जब हमारा मन सभी प्रकार के विषयों का संपूर्ण त्याग कर देता है तो वह वृत्ति जिस वृत्ति के गर्भ में आकाश हो उस वृत्ति में वृत्तिपना रहते हुए भी वृत्ति का बंधन कम हो जाता है, अन्यथा हम उस वृत्ति के द्वारा या तो विक्षेप को प्राप्त होंगे या सुषुप्ति को प्राप्त होंगे, दोनों के बंधन निकल गए। अब यह जो हमारा मन जिसने इस आकाश तत्व को अपना विषय बनाया है, अब यह संपूर्ण विकारों के द्वारा अब प्रभावित नहीं होता है। अब ऐसा जो मन है, इस मन को अब आगे ले चलते हैं कि यह मन अब केवल इस शरीर तक ही नहीं है, क्योंकि इस शरीर का तो इसने ऑलरेडी त्याग कर दिया है, तो यही एक मनस्तत्व इस संपूर्ण सृष्टि को आधार करते हुए भी किसी के द्वारा प्रभावित नहीं है। तो पहली स्थिति क्या हुई, हमारे मन ने एक देह को जो मैं के रूप में ग्रहण किया था, उस एक देह से उसने छुटकारा पा लिया। उसने छुटकारा पाने के बाद कहीं वो नींद में न चला जावे, इसीलिए फिर इस एक मन को अब सार्वजनिक बनाना है। ये सार्वजनिक बनाने के लिए बताते हैं कि जैसे इस अंतकरण में इस मन में सब कुछ है लेकिन किसी की भी धार द्वारा प्रभावित नहीं है, यह जो स्थिति आ जाती है इसको कहते हैं परावाक की स्थिति, माने यहां मन अभी मन नहीं है, उसने चेतना का रूप धारण कर लिया है। यहां तक आने के पश्चात जो बात है वो बात यहां कही है, ध्यात्वान्ते व्यज्यते परा, फिर हम उस परावाणी के पास पहुंच चुके हैं। एक प्रक्रिया ये है, और ये जितनी प्रक्रिया बता रहे, जब आप अपने घर में ध्यान का अभ्यास करते होंगे, जिस समय जो प्रक्रिया याद आई उसको लेकर के करना, कोई दुराग्रह मत करना। ऑलवेज रिमेम्बर, जब तक के भगवान की कृपा और गुरु का अनुग्रह नहीं होता ध्यानाभ्यास कभी नहीं होता। अपने प्रयत्न से आज तक किसी का ध्यानाभ्यास नहीं हुआ है, प्रयत्न इतना ही है कि हमारी गुरु और शास्त्र और ईश्वर इष्ट देवता इनके प्रति समर्पण में कोई कमी न रहे, वही अपना प्रयत्न, उसके बाद प्रभु सब कुछ कर लेते हैं। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरा इसका विचार ऐसा है कि ये दूसरी पद्धति है, हमारा जो स्थूल देह है, यह स्थूल देह स्थूलीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ है। ग्रॉस बॉडी इज मेड अप ऑफ ग्रॉसिफाइड और पंचीकृत पंच महाभूतास। अब ये स्थूल देह स्थूल पंच महाभूतों से बना हुआ, इसका ज्ञान हमको ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, और ये ज्ञान ज्ञानेंद्रिय सूक्ष्म पंच महाभूतों से होते हैं, स्थूल पंच महाभूतों से नहीं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, हम इस जगत के जितने विषय है वो सभी के सभी विषय है स्थूल पंच महाभूतों के कार्य,
और वहां से हट करके हम अपने मन को इंद्रियों पर ले आवे। माने क्या करें, जैसे रूप रंग जो हम देखते हैं वो तो है स्थूलीकृत पंच महाभूतों का कार्य। अब हमने आंखों को तो खुला रखा है, लेकिन किसी भी रूप रंग में नहीं फंसे। रूप रंग का दर्शन होना बंद नहीं होगा तुरंत, वो भी बंद हो जाता है, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन तुरंत बंद नहीं होगा। इसका आप एक आध बार उदाहरण करके देखो अपने इसमें कोई एक्सपेरिमेंट। ये हमने कहां थे, हम किसी के यहां बाथरूम में थे, टाइल्स लगी हुई थी, तो हम टाइल्स को देख रहे थे इधर मुंह धोते समय आईने में, तो उसमें हमको एक बड़ा सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ। वो ये कि टाइल्स में डिस्टेंस पर लाइनें होती, बिकॉज दे आर ऑल जॉइंट टुगेदर। यदि उसके तरफ केवल टाइल्स के तरफ देखो आप, तो बीच में की जो जॉइंट्स की लाइनें हैं वो गायब हो जाती है, उसका मान नहीं रहता। वही तरीका है, जब हम अपनी दृष्टि को खुला रखते हैं और खुला रखने के बाद जो एक रूप रंग की विशेषता है, उस रूप रंग की विशेषता का जब त्याग कर देते हैं, तब हमारी आंखें रूप रंग तन्मात्रा में एक हो जाती है। अगेन आई रिपीट दिस, ये बहुत सूक्ष्म और महत्व की बात है। जैसे हम आप सबको देख रहे हैं आंखों के द्वारा, तो आप में जो भिन्नता हमको नजर आ रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम केवल रूप रंग को नहीं देख रहे हैं, हम रूप रंग के द्वारा जो भेद है उन भेदों का दर्शन हम कर रहे हैं। और भेदों का दर्शन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि रूप रंग से ज्यादा महत्व हमने आप लोगों के बीच में जो आकाश है उसको दिया है। इसलिए तो जब हमारा ध्यान रूप रंग इस तन्मात्रा में फिट हो जाएगा, उस समय हमको किसी भी प्रकार के भेद नजर नहीं आएंगे। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि रूप रंग का दर्शन नहीं होगा। तो ये हो गई पहली स्थिति। तो स्थूल विषय जो स्थूल पंच महाभूतों का कार्य है, वहां से हट करके हम अपनी इंद्रियों पर आ गए, और इंद्रियों पर आने के बाद फिर केवल रूप रंग इस तन्मात्रा का दर्शन हो रहा है। इसके द्वारा जो भेद है उस भेद का अब अभाव हो गया। अब इसी को दूसरे प्रकार से समझे, अभी जो आप हमारी बातें सुन रहे हो उसमें आप शब्द का ग्रहण कर रहे हैं। शब्द का क्यों ग्रहण कर रहे हैं? क्योंकि एक शब्द के उच्चारण के पश्चात जो शांति है, उस शांति के तरफ आपका ध्यान ज्यादा है, और इसीलिए जो नाद है उस नाद का त्याग करके इस नाद की जो विशेष अभिव्यक्ति है, अनेक प्रकार के जो स्वर और व्यंजन है उसमें हम फंस गए। जैसे जो संगीत गाने वाले होते हैं उनका ध्यान होता है पीछे का जो तंबूरा, एक जो नाद चल रहा है उस नाद पर, और उस नाद को साथ में रख करके उसी नाद के साथ अपने नाद को लगाना, और फिर उसके माध्यम से उसी की अभिव्यक्ति फिर सारे गम पद निशा में होती है। उसी प्रकार से जब हम वर्ण शब्द व्यंजन स्वर इन सब भेदों का हमने तिरस्कार कर दिया, तो हम केवल शब्द तन्मात्रा का ज्ञान रखेंगे। और शब्द तन्मात्रा के ज्ञान को ही कहते हैं योग की भाषा में अनाहत ध्वनि का सुनना। अनाहत ध्वनि माने आहत माने ठोकना,
यदि हमको ताली बजाना है तो केवल हाथ उठाने से ताली नहीं बजेगी, किसी का गाल भी चाहिए, तब ताली अच्छी बजेगी। उसी प्रकार से यदि हम कोई भी शब्द ले तो प्रत्येक शब्द आहत ध्वनि है, किसी ना किसी से टकरा करके जब हमारी जिह्वा जाकर के अंदर आठ भागों को टकराती है तब कहीं उसमें से भिन्न भिन्न वर्ण व्यंजन इत्यादि बाहर निकलते हैं। लेकिन जब हम शांत होकर के बैठेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी आहत नहीं है, तब हमको उस अनाहत ध्वनि का ज्ञान हो जाता है। अनाहत ध्वनि कौन सा है? जिसका कोई निर्माता नहीं है और जिसको कोई नष्ट करने वाला नहीं है। यह जो अनाहत ध्वनि है उसको जब हम सुनेंगे तब हमने स्थूल से हट करके सूक्ष्म के पास हम पहुंच चुके हैं। ये यहां कहा है सूक्ष्म सूक्ष्म तराणी, तो पहले स्थूल से निकले सूक्ष्म, सूक्ष्म से निकले सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर से निकले फिर सूक्ष्माति सूक्ष्म, परमात्मा तत्व के साथ एक हो गए। इस प्रकार से यह दूसरी पद्धति है जिसमें हम विषयों का ग्रहण करते हुए भी विषयों के भेद के द्वारा प्रभावित नहीं हुए तो हम आगे इंद्रियों पर। अब इंद्रियों के द्वारा दर्शन हो रहा है लेकिन उस दर्शन का प्रभाव हमारे मन पर किसी भी प्रकार के संस्कार निर्माण नहीं कर रहा है, तो फिर हम इंद्रियों से हट करके अब मन के पास पहुंच चुके हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म प्रक्रिया है। स्वदेहे जगतो वापी सूक्ष्म सूक्ष्म तराणि च तत्वानि यानि निलयम्। अब मन के पास आ गए। अब यह जो मन है, यह मन है बुद्धि के नियंत्रण में। तो जब हम बुद्धि के पास पहुंच जाएंगे तो मन में वृत्तियों का जो उत्थान है वो एकदम कम होने लगेगा, और जब ये कम होने लगेगा तब हम अपने बुद्धि का जो व्यक्तिगत तादात्म्य था उसका त्याग करके हम समष्टि बुद्धि के साथ एक हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक मां है और एक बच्चा है, और बच्चा जब बीमार होता है तब उस मां के बुद्धि का विषय क्या है? मैं नहीं, बच्चा। उस समय उसकी बुद्धि थोड़े देर के लिए विस्तार को प्राप्त हो गई। उसी प्रकार से जब हमारी बुद्धि एक व्यष्टि का संपूर्ण त्याग कर देती है तब कहीं जाकर के समष्टि के साथ एक हो गई। तो स्थूल विषय से हट करके ज्ञानेंद्रिय के पास आए, ज्ञानेंद्रिय से हट करके मनस के पास आए, मनस से हट करके व्यक्तिगत बुद्धि के पास आए, व्यक्तिगत बुद्धि का त्याग कर दिया, महत्तत्व के पास आ गए। और ऐसा करते 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 आखिरी ध्यात्वा, ये सब ध्यान की प्रक्रिया है, ध्यात्वा अंते व्यज्यते परा, परा वाणी में स्थित हो गए। ये दूसरी प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया ये बताते हैं, जैसे वैखरी वाणी जो स्थूल देह के तादात्म्य के साथ संबंध रखती है, तो हम यदि इस स्थूल देह का तादात्म्य और जागृत अवस्था इससे परे जाने चाहते हैं तो उसका एक प्रकार यह है कि वैखरी वाणी के द्वारा हमारे मन पर कोई प्रभाव न हो। ये कैसे संभव है? वैसे ही जैसे वेदांत का श्रवण, क्या फर्क पड़ा आज तक? बिल्कुल फर्क नहीं। तो वैखरी वाणी से सुनते हैं और वो वही रहता है, अंदर ज्ञान को प्रवेश निषेध है ना। तो जब हम इस वैखरी वाणी के द्वारा प्रभावित होना बंद हो जाते हैं तब इस वैखरी वाणी से हट करके मध्यमा वाणी में प्रवेश किए। और इसकी जो कॉन्शियस प्रोसेस है,
वो इस प्रकार से है कि पहले भगवान का नाम हम वैखरी वाणी से लेते रहे और जो वैखरी वाणी पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, तब यह नाम अपने आप मध्यमा वाणी में माइग्रेट करता है। तब पता चलता है कि मध्यमा वाणी में रहना माने क्या। और जब ये समझ में आया कि मध्यमा वाणी में रहना माने जगत के व्यापारों में अपने आप को नहीं फंसाना, अब इस मध्यमा वाणी में रहने के बाद कोई कल्पना के साम्राज्य में ना रहे। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, कल्पना का साम्राज्य। मुझे तो लगता है कि अब मुझे बिल्कुल डाउट नहीं कि मैं रियलाइज हूं, सिर्फ आप बता दीजिए स्वामी जी, हाँ कह दीजिए, अरे ये कोई शादी है, हाँ कह दे। एक हमको मिलने के लिए आए थे, अम्मा कह रहे थे स्वामी जी सब कुछ हो गया, बस आपके हाँ कहने की देरी है। ऐसे समय आप हंस भी नहीं सकते, बहुत दुख की बात हो जाती उस समय। तो मध्यमा वाणी के बाद आने के पश्चात वहां से हमको निकल करके पश्चंती वाणी में पहुंचना है। तो मध्यमा वाणी में आ गए और उसमें अड़ गए तो कैसा पता चलेगा? बाहर के विषयों का कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन हम कल्पना के साम्राज्य में बहुत भ्रमण करते रहते हैं। कोई भगवान आया, कोई गया, मुझे ऐसे महात्मा आकर के चले, वैसे आत्मा चले गए, क्योंकि नित्य उसका ही पठन, उसका ही विषय और उसी के बारे में बात करना, तो मन उसी में लगा रहता है और ऐसे लगता है कि अब मुझे शायद सब कुछ हो रहा है। देखो एक ग्रंथ में ये विचार आता है बहुत सूक्ष्मता से, उस ग्रंथ में ये बताया है कि उसकी जो पत्नी है वो उसको गुरु रहती है और वो पत्नी अपने शिष्य पति को उपदेश करती है और उपदेश होने के पश्चात फिर वो अपना ध्यान की प्रक्रिया करने के लिए लग जाता है। फिर उसको भिन्न भिन्न अनुभव आते हैं। एक बार उसको अनुभव आता है कि चारों तरफ केवल अंधेरा है, फिर उसको समझ में आ गया परमात्मा अभावात्मक है। फिर सोचता परमात्मा अभावात्मक है, क्या ये परमात्मा की अभाव के रूप में अभिव्यक्ति है कि परमात्मा अभावात्मक है तो मेरा भी अभाव हो जाएगा। आई थिंक दिस इज नॉट द राइट थिंग, लेट मी ट्राई अगेन। फिर दूसरा प्रयत्न करता है। फिर उसको दूसरे बार जब वो अपने चित्त का निरोध कर लेता है तो उसमें उसको भिन्न भिन्न प्रकाश नजर आते हैं। हाँ आप समझ में आ गया, पहले कुछ गलती हो गई थी, परमात्मा प्रकाशात्मक है। इन कौन सा प्रकाश? लाल, नीला, पीला, हरा। फिर संदेह आ गया। इस प्रकार से भिन्न भिन्न दृष्टियां, भिन्न भिन्न आकार उसके सामने नजर आते हैं। ये होने के पश्चात फिर सवाल ये है, अब इसमें से कौन सा परमात्मा है ये मुझे कैसे समझ में आएगा? फिर वो अपने पत्नी को कहता है कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, आप मुझे बताओ। तो पत्नी बताती है, देखो कभी भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, तो फिर मैं अभी तक क्या कर रहा था, तो मुझे क्या मालूम आत्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तुम स्वयं आत्मा हो, प्राप्ति तो उसकी होगी ना कि जो तुम्हारे पास नहीं है। फिर मैं क्या कर रहा हूं? जी तो बंद करो, सब करना बंद करो। इसीलिए ध्यान की प्रक्रिया में ये बहुत महत्व की बात है। यदि हम वैखरी वाणी से हट करके मध्यमा वाणी में आए तो मनुष्य मनोराज्य के चक्कर में फंस जाता है। दूसरी स्थिति इससे आगे बढ़ करके बताइए, सूक्ष्म सूक्ष्म तराणी। तो जब जागतिक विषय बंद हो गए, लेकिन यदि हमारा मन भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के मैं दर्शन कर रहा हूं, कभी मैं चला गया स्वर्ग लोग, कभी चला गया सत्य लोग, ऐसे क्यों नहीं कहते कभी चला गया नरक लोग? हाँ वह नहीं, तो वहां से हटने के लिए
तीसरी स्टेज आ जाती है कि हमारे मन में किसी भी प्रकार के विचारों का जो नंबर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट्स मस्ट बी रिड्यूस्ड टू मिनिमम। तो पहले जागतिक विचार बंद हो गए, परावाणी को जीत लिया, लेकिन फिर विश्व के विचार शुरू हो गए तो मध्यमा वाणी में फंस गए। फिर इस वैखरी वाणी को जीतने के बाद मध्यमा वाणी में आ गए, वहां फंस गए। अब वहां से हट करके हमको जाना है और सूक्ष्म पश्यंती वाणी में। पश्यंती वाणी में विषय और विषय की वृत्ति, इनका भेद अत्यंत सूक्ष्म होता है, अस्पष्ट। और मध्यमा वाणी में विषय और विषय की वृत्ति, इनका भेद स्पष्ट होता है। और वैखरी वाणी में विषय और विषय की वृत्ति, ये एक दूसरे से अलग होते हैं। दीज आर द फोर स्टेजेस ऑफ एग्जिस्टेंस। द ग्रॉसेस्ट इज व्हेन द थॉट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट। जब वृत्ति विषय इनका भेद अनुभूत होता है, तब वो हो गई वैखरी वाणी की जागृत अवस्था की स्थिति। दूसरी स्थिति, व्हेन द थॉट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट बोथ आर ऑफ द नेचर ऑफ थॉट, उसमें वृत्ति और विषय ये भेद समाप्त हो गया और वृत्ति और विषय दोनों भी वृत्त्यात्मक ही है, जिसको कहते हैं पश्यंती वाणी, सूक्ष्म हो गई। और ये इस पश्यंती वाणी में वृत्ति और वृत्ति का विषय, इनका जो भेद मध्यमा वाणी में था, वो भी अब पूरा समाप्त होने को आ गया। और इस यहां तक आने के पश्चात फिर व्यज्यते परा, फिर इसके बाद हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जहां किसी भी प्रकार के भेद का संपूर्ण अभाव रहता है, वहां वृत्ति और विषय इसका भेद नाम मात्र भी नहीं है। इसको यदि समझना हो तो उदाहरण से स्पष्ट बात हो जाएगी। जब कोई समझो चने का बीज है, सूखा चना, मुंह में डालो और दांत निकाल लो, इतना सूखा, तो वो है परा वाणी की स्थिति। फिर उसको पानी में भिगो, पानी में भिगोने के बाद अब वो थोड़ा फूलना शुरू हो गया, तो थोड़ा फूलना शुरू हो गया, वो हो गई पश्यंती वाणी की स्थिति। अब वहां से और आगे बढ़ा और धीरे धीरे आप उसमें से दो अंकुर निकलना शुरू हो गए, निकले नहीं, लेकिन एक तो ऊपर से निकल रहा है और एक नीचे से निकल रहा है। ये जो स्थिति है, ये हो गई मध्यमा वाणी की स्थिति। और फिर उसमें से स्पष्टता से ऊपर जाने वाला अंकुर और जमीन में जाने वाला मूल, ये दोनों एकदम अलग अलग हो गए, ये हो गई वैखरी वाणी की स्थिति। तो जैसे एक बीज से भिन्नता स्टेजेस में निर्माण होती है, उसी प्रकार से इस समय हम वैखरी वाणी की स्थिति में है, अत्यंत स्थूल जगत में। इस स्थूल जगत से हटने के लिए पहले स्थूल जगत से हट करके मध्यमा वाणी, मध्यमा से हट करके पश्यंती, पश्यंती से छोड़ करके परावाणी में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से यह जो ध्यान का अभ्यास है, इस ध्यान के अभ्यास में हम परमात्मा को प्राप्त नहीं करते, बल्कि परमात्मा की जो शक्ति है, उस शक्ति के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है। और जब परमात्मा की शक्ति के साथ तादात्म्य हो गया, तब हमारा जो माया के पांच कंचुक, आपको याद होगा, जो जिसके द्वारा जीव भाव प्राप्त हो जाता है। जीव भाव का प्राप्त होना माने क्या,
अपने को अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान, अल्पव्यापी, काल के द्वारा परिच्छेद और देश के द्वारा परिच्छेद, स्वातंत्र का अभाव, इच्छा की अपूर्णता, ये सब जो बातें हैं, ये इसको कहते हैं योग शास्त्र में माया का प्रभाव। इस माया के प्रभाव से हट करके हम जब परमात्मा की जो शक्ति है उसके साथ तादात्म्य हो जाएंगे, तब ये 54वीं वर्ष हमको ठीक से समझ में आए। स्वदेहे जगतो वापि सूक्ष्म सूक्ष्मतराणि च तत्वानि यानि निलयम् ध्यात्वान्ते व्यज्यते परा। और इसको कहते हैं आत्मव्याप्ति। आज मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था, इसको कहते हैं आत्मव्याप्ति। इसमें हमने अपने व्यक्तित्व का त्याग कर दिया है। ये व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति जिस उपाधि के कारण है, उस उपाधि का व्यक्तिपना छोड़ करके उसको समष्टि के साथ मिला दिया है, और इसीलिए इस आत्मव्याप्ति में हम में भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां या भिन्न प्रकार की सिद्धियां उपलब्ध हो सकती है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है, इसके और आगे जाना है, जिसको कहते हैं शिव व्याप्ति। तो ये जो आत्मव्याप्ति की स्थिति है, ये केवल उपाधि माने व्यष्टि उपाधि का त्याग करके समष्टि उपाधि के साथ एक हो गए, लेकिन है उपाधि में ही। जैसे पहले हम इस देश के एक नागरिक होने के कारण दुखी थे, क्यों? हमारे पास एक ही वोट था, फिर हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके सब वोट अपने फेवर में कर लिए और फिर बन गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और वो बनने के बाद इतने वोटों को अपने पास रहने की क्षमता तो थी नहीं, क्योंकि गड़बड़ी करके सब इकट्ठा कर लिया था, और वो क्षमता न होने के कारण उस शक्ति का हमने दुरुपयोग किया। उस शक्ति का जब दुरुपयोग किया तो क्या होगा? फिर हम चले जाएंगे तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल वाले फिर हम वहां से नीचे पटकी खाएंगे और फिर इस जगत में वापस आ जाएंगे। इसीलिए ये बहुत आवश्यक बात है, ये समझ में आ जाए तो समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा है। अपने पास कोई भी शक्ति नहीं होनी चाहिए। कोई शक्ति हो और उस शक्ति का किस प्रकार से प्रयोग करना है, ये अकल या क्षमता न हो, तो उसी शक्ति के द्वारा हम अपने आप को मार डालते हैं, नष्ट कर देते हैं। हमने आपको पिछले बार बताया था, एक सज्जन थे, वो एक महात्मा जी के पास गए, हमको कोई सिद्धि दो। बोले क्या सिद्धि चाहिए तुझे? बोले सिद्धि ये चाहिए कि हम किसी के भी मन की बात जान सके। बोले ठीक है, तथास्तु। महात्मा सिद्ध थे ही, उन्होंने कह दिया अब इसको अगला जब आदमी आता है तो पूरा का पूरा जैसे एक्सरे मशीन के सामने खड़े हो जाओ तो हड्डियां ही हड्डियां नजर आती है, तो सामने से जो आ रहा है तो उसके पूरे मन का दर्शन इस व्यक्ति को होने लग गया, अब उसके द्वारा उसका जीना मुश्किल। एक मन को जान करके उसके अंदर के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य उससे छुटकारा पाते पाते आदमी पागल हो जाता है, और दुनिया भर के हरेक के मन का दर्शन जब उसको होने लग गया तो सोचा कि अब तो मैं पागल हो ही जाऊंगा। और फिर अपने गुरु महाराज के पास गया, महाराज ये आप वापस ले लो, मेरे से नहीं होता। और इसीलिए ये जो ध्यान प्रक्रियाएं बताई है, इसमें हम सबको बहुत ही अवेयर रहना है, कहीं हम अपने इस शक्ति के बारे में जागृत तो नहीं हो रहे, कहीं हम इस शक्ति का कहीं प्रयोग तो नहीं करना चाहते। अन्यथा क्या हो जाता है, समझो आप किसी को कुछ कहो वो बात सत्य हो गई, दूसरे को कहो वो बात सत्य हो गई,
फिर कहानियां फैलने लग जाती है। वो जो महात्मा है ना, जब वो कहते हैं ना तो सब ठीक हो जाता है, और फिर लाइन लग जाती है, और लाइन लगने के बाद टिकट लगते हैं, टिकट लगने के बाद मामा जी आते हैं, दुनिया भर की परेशानी शुरू हो जाती है। इसलिए स्वदेहे जगतो वापी सूक्ष्म सूक्ष्म तराणि च, हम अपने व्यक्तिगत शक्ति का या उपाधि का त्याग करके समष्टि की उपाधि में जाकर रहे तो व्यज्यते परा। इस प्रकार से इस धारणा के द्वारा हम व्यक्तित्व का त्याग करके जिस शक्ति की अभिव्यक्ति हो रही है उस परमात्मा के शक्ति के साथ एक हो गए। अब दूसरी पद्धति है अगले वर्ष में 55वें, पीनाम च दुर्बलाम शक्तिम, ध्यात्वा द्वादश गोचरे प्रविश्य हृदये ध्यायन मुक्त स्वातंत्र्यमाप्नुयान्। पीना और दुर्बला शक्तिम ध्यात्वा, यहां विशेष रूप से प्राण शक्ति की बात हो रही है। हमने आपको पिछले बार बताया था भगवान की मूल रूप से तीन शक्तियों का ये सब खेल है। एक तो है परमात्मा की इच्छा शक्ति, इस इच्छा शक्ति का स्वातंत्र स्वीकार करके उसी परमात्मा को वेदांत में ईश्वर कहते हैं और योग शास्त्र में परम शिव कहते हैं, परम शिव ने ब्रह्म को कहते हैं परम शिव, शब्द भिन्न है तत्व एक ही है। उसके बाद उसी परमात्मा की जो ज्ञान और क्रिया शक्तियां है उन दोनों की उपाधि धारण करके उसी परमात्मा को योग शास्त्र में ईश्वर कहते हैं और वेदांत शास्त्र में हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ में ज्ञान और क्रिया शक्ति ये कार्यान्वित हो जाती है और उससे बढ़ने और नीचे की स्थिति जो है जिसमें केवल क्रिया शक्ति का महात्म्य है और ज्ञान शक्ति का थोड़ा भाग कम हो गया, उसको कहते वेदांत शास्त्र में विराट और उसी को योग शास्त्र में कहते हैं सदाख्य या सद्विद्या। तो इसकी यहां बात हो रही है कि यह जो शक्ति है प्राण शक्ति, पीनाम च दुर्बलाम ध्यात्वा, यह जो प्राण शक्ति है हमारे स्थूल देह के साथ रह करके इसमें द्रव्य माने मैटर का रूप ले लिया है, ये इतना साइंटिफिक है इसको समझ लो तो बड़ा आनंद आएगा। जैसे कोई भी शक्ति हो तो उस शक्ति की अभिव्यक्ति द्रव्यात्मक जब होगी तो वो शक्ति अव्यक्त रूप से रहती है। एनर्जी अनमैनिफेस्ट इज मैटर। तो यह जो प्राण शक्ति है ये प्राण शक्ति जब अव्यक्त रूप में रहती है तब उसको मैटर या द्रव्य कहते हैं। तो यही प्राण शक्ति इस स्थूल देह के रूप में जब है तब यह आकार धारण कर लिया। अब इस द्रव्य से इस प्राण शक्ति को हमको रिलीज करना है तो उसके लिए शांत स्थिर बैठने के पश्चात प्राणायाम की प्रक्रिया बताते हैं शास्त्र में। तो इस प्राणायाम की प्रक्रिया में तीन बातें होती है। पहली बात कि जब हम शांत बैठ लेंगे तो पहले इसके बारे में अवेयर हो जाए कि हमारे जो श्वासोश्वसन चल रहे हैं वे संतुलित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों का संतुलन करना आवश्यक है। जब इन दोनों का संतुलन होगा माने हमारी इडा और पिंगला माने बाया जो
भाई जो नासिका और दैनी नासिका इनमें से आवागमन करने वाले जो वायु है इनका परफेक्ट बैलेंस हो गया। यही बात भगवान कृष्ण छठवे अध्याय में कहते हैं नासाभ्यंतर चारिणो, माने दोनों नाकों में हमारे श्वासों का आवागमन संतुलित रूप से चलता है। जब ये संतुलन ठीक हो गया तो इस संतुलन के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी का दरवाजा खुल जाता है, और जब ये हो जाता है तब इसको यहां कहा है पीनाम च दुर्बलाम शक्ति। फिर ये शक्ति अत्यंत दुर्बल माने शक्तिहीन नहीं, दुर्बला माने अत्यंत सूक्ष्म। फिर यह जो ईडा पिंगला में चलने वाली प्राण शक्ति है ये अत्यंत सूक्ष्म होकर के सुषुम्ना में प्रवेश करती है, और जब ये सुषुम्ना में प्रवेश करेगी तब इस प्राण शक्ति का ज्ञान शक्ति में कन्वर्शन प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए जो नित्य रूप से प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं उनके चेहरे पर तेज भिन्न प्रकार का होता है और उनकी आंखें भी तब एकदम समझ में आ जाती है। तो पीनाम च दुर्बलाम शक्तिम ध्यात्वा द्वादश गोचरे, और यह जो शक्ति है इस शक्ति का द्वादशांत वही पिछले बार जो हमने बताया अपने शरीर के भिन्न स्थान उनको द्वादशांत कहते, वहां उस शक्ति को पहचान करके हृदय प्रविश्य। अब ये जो शक्ति जागृत हो गई सूक्ष्म हो गई, अब इसको क्या करे उसको अपने हृदय में प्रवेश करवाए। या एक तो एक स्थान ये दिया हृदय, दूसरा दिया है द्वादश गोचरे। या जो हमारे द्वादशांत स्थान है माने अपना हृदय, अपना कंठ, भ्रूमध्य या सहस्रार या नाभि या परा मूलाधार, किसी भी एक स्थान पर इस प्राण शक्ति को जो हमने ज्ञान शक्ति में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है उसमें प्रविश्य, उसमें उस शक्ति को अपने मानसिक व्यापार के द्वारा ले आवे, माने अपने मन को उस स्थान पर एकाग्र कर ले। तो क्या क्या हुआ, पहले शांत बैठने के बाद अपने दोनों प्राणों को संतुलित किया, और ये संतुलित जब काफी हो जाता है तो अपने आप इसका प्रवेश मध्यमा ने सुषुम्ना में हो गया, और जब सुषुम्ना में हो गया तब ये प्राण शक्ति अब ज्ञान शक्ति में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। और जब ये हो जाएगी उस समय वो ज्ञान शक्ति को हम कहां ले आए तो हृदय में, या द्वादशांत कंठ या भ्रूमध्य या अपने सहस्त्रार में ब्रह्मरंध्र में ध्यात्वा, उससे क्या होगा मुक्तहा स्वातंत्र्यम आपनुयात, फिर हम अपने व्यक्तित्व से मुक्त हो जाए। अपने व्यक्तित्व से मुक्त होना माने मैं एक परिच्छिन्न जीव हूं और जगत मेरे से भिन्न है और ईश्वर परोक्ष है, ये तीन प्रकार के भेदों का जो बंधन है इसको योग की भाषा में कहते हैं तीन प्रकार के मल, जैसे आणव मल जिसका होता है कर्म मल कर्म का, उसके बाद होता है अविद्या या माया का मल, और तीसरा होता है इन दोनों का कंट्रोल करने वाला माने ईश्वर का। ये तीनों मलों से हम ऊपर उठ जाएंगे और अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रविश्य हृदय ध्यायन मुक्तहा स्वातंत्र्यम आपनुयात, इस सब का तात्पर्य यही है कि हमारा मन जो इस स्थूल देह में फंसा हुआ है उससे उसको मुक्त कराना है। अब इस प्रक्रिया में क्या क्या किया हमने, पहले अपना स्थूल देह जो प्राण शक्ति का स्थूलीकृत भाग है उस स्थूल देह में से प्राण शक्ति को माने हमने अलग किया, इकट्ठा किया केवल प्राणायाम के द्वारा। फिर यह स्थूल द्रव्य से प्राण क्रिया शक्ति हो गई, फिर इस क्रिया शक्ति को आप ज्ञान शक्ति में कन्वर्ट कर रहे हैं।
और इस ज्ञान शक्ति को फिर किसी एक स्थान पर एकत्रित करें। जब ऐसा करेंगे तो ये अनुभूति आएगी कि यह जो ज्ञान है, ये ज्ञान केवल एक विशेष स्थूल देह को लेकर के नहीं है, यही एक ज्ञान सभी प्रकार के अनुभूतियों का आधार है और वह मैं हूं। इस प्रकार से द्रव्य का आधार लेकर के प्राण को जागृत किया, प्राण का आधार लेकर के अपने ज्ञान शक्ति को जागृत किया और ज्ञान शक्ति की परिच्छिन्नता त्याग करके सबके आधार के रूप में अपने आप को स्वीकार किया। इस प्रकार से यह दूसरी धारणा इस 55 में श्लोक में बताई है। अब इसमें जो हमको अभ्यास करना है, ये अभ्यास करते समय एक दो चीजों का ख्याल रखना, ख्याल ये रखना है कि ये कभी भी जबरदस्ती से नहीं करना है। अभी हमने अभी तक कितने प्रकार की प्रक्रियाएं पढ़ के रखी है, सुन के रखी है, तो जिस समय जिस प्रकार के हमारे मन के तीनों गुणों का रूप होगा, कभी ज्ञान प्रधान मन होता है, कभी रजोगुण प्रधान होता है, कभी द्रव्य गुण प्रधान होता है, तो उसके अनुसार अपने ये ध्यान की प्रक्रिया उस समय बदलनी है, पहली बात। दूसरी बात, ध्यान के लिए बैठने के पश्चात ये स्पष्ट करे कि अपने आसन पर पहले अपने गुरु या इष्ट देवता उनका आह्वान करें, तो अपने गुरु और इष्ट देवता उनका आह्वान उस आसन पर करने के बाद फिर हम बैठे, तब हम जाकर के उनकी गोद में बैठे, फिर हम पर किसी भी बुरे प्रकार के शक्तियों का प्रभाव नहीं होता। और तीसरी बात, ये सब करते समय याद रखना हमेशा ये प्रभु की इच्छा के अनुसार हो रहा है, ये हमेशा याद रखना है हम सबको कि भगवान की इच्छा के अनुसार ही हम चल रहे हैं। भगवान की जब कृपा होती है ना, तब हमको ध्यानाभ्यास करने की प्रेरणा मिलती है, अन्यथा नहीं। कोई यदि ये सोचे कि मैं अपने आप अपनी साधना कर रहा हूं या मैं बड़ा ध्यान कर रहा हूं, ये एकदम गलत बात है। अब इतना होने के बाद 56वें श्लोक में एक और सुंदर धारणा बताते हैं। भुवनाद्वादि रूपेण चिन्तयेत् क्रमशोखिलम् स्थूल सूक्ष्म परिस्थित्या यावदन्ते मनोलयः। यहाँ एक शब्द है भुवन अध्व आदि रूपेण। अध्व आपको याद होगा, पहले पहले जब हमने प्रारंभिक एक दो प्रवचनों में विचार किया था, एक तो है अध्व माने मार्ग, सो ध्वनहा पारम आपनोति तद विष्णोः परमं पदम, कठोपनिषद में आता है। अध्व माने मार्ग, तो दो प्रकार के मार्ग है, प्रत्येक मार्ग में तीन स्टेशन है, और इस प्रकार से इसको कहते षडध्व, इसमें टोटली छह स्टेशन आ जाते हैं। और इसका जो विवरण है योग शास्त्र में बहुत ही सुंदर आता है, हमने आपको भिन्न प्रकार से बताया, यहां दूसरे प्रकार से बताते हैं। जैसे एक तो होता है वाचक, द इंडिकेटर, द पॉइंटर, वाचक या शब्द, वाचक हमेशा शब्द रूप से होता है और वाच्य जो है वो हमेशा द्रव्य रूप से होता है। जैसे हमने कहा पेपर वेट, अब पेपर वेट इस शब्द का वजन हमारे पर कहीं नहीं है,
लेकिन ये पेपर वेट यदि हमारे सर पर रख दिया जाए तो उसका वजन होगा। माने दो बातें हो गई, एक वाचक जो शब्दात्मक है और दूसरा वाच्य जो द्रव्यात्मक है। तो शब्द और द्रव्य इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ये तीन लेयर में होता है और इसीलिए तीन गुणे दो छह ऐसे इसको षड्ध्व कहते हैं। तो इसमें जो अत्यंत सूक्ष्म स्थिति है जिसको कहते हैं अभेदात्मक स्थिति। अभेदात्मक स्थिति माने जिसमें वाच्य और वाचक इनका कहीं भी भेद नहीं, पहली स्थिति। माने जब हम कहेंगे समझो पुस्तक, पुस्तक यह शब्द और पुस्तक यह वस्तु जहां अभेद रूप से रहते हैं वह स्थान। दूसरी स्थिति आती है भेदाभेद स्थिति, जिसमें पुस्तक यह शब्द और पुस्तक यह वस्तु दोनों भी वृत्ति रूप से रहती है हमारे मन में। और तीसरी स्थिति जिसको कहते हैं भेद स्थिति, जिसमें वाचक शब्द और वाच्य पुस्तक ये एक दूसरे से भिन्न है। अब ये छह चीजों को लेकर के यहां ध्यान की प्रक्रिया बताई है। भुवनादि भुवनाध्वादि रूपेण चिंतयेत क्रमशः अखिलम्। फिर स्थूल सूक्ष्म परिस्थितिया यावत अंते मनोलयः। अब यह जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को धीरे धीरे हमको अपने अंतकरण में लगाना है। तो पहली ये है कि स्थूल से सूक्ष्म क्रमशः माने हड़बड़ाहट से नहीं, स्टेप बाय स्टेप इन दैट सेम सीक्वेंस वी हैव टू गो। अब क्या है पहली स्थिति जो अभेद स्थिति है, जो असली स्थिति है वहां से निकले और फिर वो भेदात्मक स्थिति में आएंगे। तो जो अभेद स्थिति है उसमें जो शब्द है वो वर्ण के रूप में रहता है और द्रव्य है वो कला के रूप में रहता है। और वर्ण किसको कहते हैं, वर्ण माने जैसे अ आ ई ई उ ऊ या क ख ग घ, वो वर्ण नहीं यहां उसका तात्पर्य। वर्ण का अर्थ रंग भी नहीं, वर्ण ये शास्त्रीय शब्द है। वर्ण माने नाद, माने उस नाद की वो स्थिति जो अनेक वर्ण के रूप में अभिव्यक्त होने के लिए तैयार है उस स्थिति को नाद के वर्ण रूप से कहा गया है। जैसे तंबूरे की जो तार है उसमें यदि नाद नहीं होता तो कहां बाहर से लाया, नहीं उसमें है, केवल इस समय वो अव्यक्त रूप में है। और जहां उस संगीतकार का हाथ उसमें लग ही रहा है तो उसमें उस नाद को अभिव्यक्त होने की जो पूर्व स्थिति है उसको कहते हैं वर्ण। और इस वर्ण के आधार पर ही बाकी जो सातों स्वर है वो डेवलप हो जाते हैं। इस प्रकार से जो अभेद स्थिति है इस विश्व की, उस अभेद स्थिति में जितने शब्द है वो वर्णात्मक रूप से रहते हैं और जितने वस्तु है या जितने भी द्रव्य है वो कलात्मक रूप से रहते हैं। कला किसको कहते हैं, कला माने किसी भी वस्तु को भिन्न आकार में अभिव्यक्त होने की क्षमता की पहली स्थिति। जैसे सुवर्ण गोल्ड एक भिन्न प्रकार के आभूषण के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है तो उस सुवर्ण को आभूषण में गणित करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले उस सुवर्ण को हम गर्म करेंगे। जब उसको गर्म किया तो उसने क्या किया, अपना जो पहला आकार था उस आकार को त्याग दिया है। अब ये जो पिघला हुआ सुवर्ण है वो किसी भी प्रकार के आकार को धारण करने के लिए तैयार है, बस उसको आप डालो वो आकार हो जाएगा। यह जो स्थिति है द्रव्य की उसको कहते हैं कला।
अब वर्ण क्या हो गया, शब्दों के अभेद की स्थिति, और कला क्या हो गई, द्रव्य के अभेद की स्थिति। और ये दोनों जब अभेदात्मक रहते हैं तब तो वहां है परावाणी का स्थान। अब इसमें मालूम है आप सबका क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये जो स्थिति है ना यही वो स्थिति है, समझने का प्रयत्न मत करना। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, वेरी गुड वेरी गुड, सब गड़बड़ी हो जाएगी। तो वर्ण और कला, अब यह जो वर्ण है माने शब्द के भेद का निर्माण होने की पूर्व स्थिति, बिफोर द साउंड मैनिफेस्ट एज सिलेबल, यो जो स्थिति है उसको कहते हैं मंत्र, और जो कला है उस कला को कहते हैं दूसरी स्टेज में तत्व। दो बातें हो गई, जो अभेद स्थिति है उसमें वर्ण और कला एक रूप से रहते हैं। तो वर्ण क्या है, सभी शब्दों की जो मां है उसको कहते वर्ण, अभी शब्द निकले नहीं उसके गर्भ में है सब कुछ, दिखते भी नहीं। और कला क्या है, सभी द्रव्यों की अव्यक्त स्थिति। इसीलिए एक बात एक आती है एक संस्कृत के ग्रंथ में, इस जगत में प्रत्येक वस्तु अपने नाम को जाहिर करती है। तो जितने भी शब्द है जगत में वो शब्द उस वस्तु के साथ ही पैदा हुए। इसीलिए अपने यहां जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो बताते ना इसका शब्द कौन सा निकला, इसका शब्द निकला जी जेड, क्या नाम रखे इसका, जिला परिषद। मुझे किसने पूछा था, उनके बच्चे का नाम निकला था च, तो स्वामी जी समझ भी नहीं आ रहा च का क्या लिखे, नाम क्या रखे, तब ना चमचा। सो वर्ण कला, इसमें द्रव्य और द्रव्य का नाम दोनों अभेद और अव्यक्त स्थिति में, इससे थोड़ी सूक्ष्म से निकल करके स्थूल में आ गए जिसमें मंत्र और तत्व। तो द्रव्य का जो तत्व है वो तत्व अब अभिव्यक्त होना शुरू हो गया, और वर्ण से जो मंत्र की शक्ति है अब वो मंत्र की शक्ति बाहर आने शुरू हो गई। इसी इसको कहते हैं मंत्र बीज। योग शास्त्र में जो मंत्र शास्त्र है उसमें बहुत सूक्ष्मता से विचार किया है, प्रत्येक वस्तु का बीज मंत्र होता है, और उन बीज मंत्रों को योग्य प्रकार से धारण करे, उसका संपादन करे जीवन में। जैसे जैसे बताते हैं कि अपने हृदय में जो अनाहत चक्र है उस अनाहत चक्र में 12 पंखुड़ियां है, वो एक ऐसा चक्र है पुष्प चक्र, और उसमें 12 पंखुड़ियां है 12 पेटल्स, और उस 12 पंखुड़ियों पर ये 12 बीजों का न्यास किया जाता है। जैसे होता है ना हस्त न्यास शरीर न्यास, उसी प्रकार से अपने हृदय का जो अनाहत चक्र है उसमें जो 12 पंख है उस पर क से लेकर के ठ, ये जो 12 शब्द है उसका न्यास किया जाता है। तो क ख ग घ ञ च छ ज ज ण ट ठ 12 हो गए। इसीलिए इस हृदय में अंगुष्ठ मात्र पुरुष का दर्शन कठोपनिषद करवाता है, और इसीलिए इसको कठ उपनिषद कहते हैं। तो यह जो मंत्र है तो प्रत्येक पंखुड़ी पर एक बीज मंत्र, उसको कहते हैं मंत्र। माने वर्ण से अलगता आ गई, उसी प्रकार से कला की जब स्थूलता आ गई तो तत्व हो गया। अब इस स्थिति में आने के बाद मंत्र और तत्व ये तो अलग अलग हो गए, लेकिन इनमें भेद अभी पूर्ण नहीं हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं भेदाभेद स्थिति। और इसके और आगे गए तो आगे जाने के बाद क्या होगा, मंत्र से बनता है पद। जैसे कोई भी
व्यंजन हो और कोई स्वर हो, और ये अनेक स्वर और व्यंजन भिन्न प्रकार से एक स्थान पर जब आ जाते हैं तब पद बनता है। जैसे तत्त्वम असि, तो इसमें तीन पद है, और तीन पदों का जब अर्थ माने, इन तीन पदों का अर्थ माने पदार्थ, जब पदार्थ ज्ञान होगा तब हमको वस्तु का ज्ञान होगा। तो पदार्थ माने पद का अर्थ, तत् का क्या अर्थ है, त्वम का क्या अर्थ है, और असि का क्या अर्थ है। इसीलिए पदार्थ शब्द का अर्थ है कि पद माने ये शब्द और अर्थ माने वस्तु। पदार्थ ज्ञान का तात्पर्य है कि जब हम इस जगत में शब्द के द्वारा जो इंकित या बताई गई वस्तु है उसका ठीक से ग्रहण करते हैं तब हमको पदार्थ ज्ञान है। इस स्थिति में आकर के यह भेद पूर्ण हो गया है। तो तीन स्थितियां हो गई, पहले सूक्ष्म स्थिति में भेद का पूर्ण अभाव, मध्यम स्थिति में मंत्र और तत्व की स्थिति में जो भेद हो गया है लेकिन संपूर्ण भेद नहीं हुआ, इसलिए भेदाभेद, और फिर जब स्थूल जगत में आ जाते हैं तो वहां पद और भुवन, भुवन माने वस्तु या स्थान। तो ये समझने के पश्चात अब आकर के बताते हैं, भुवनाद्वादि रूपेण चिंतयेत क्रमशः अखिलम। अब प्रत्येक वस्तु को इस प्रकार से चिंतन करें, जैसे पुस्तक जब हम कहते हैं और वही खरी वाणी से कहते हैं, आंखें खुली होती है, पुस्तक ले आना तो हम तुरंत देखना शुरू करते कहां गया पुस्तक, तो कौन सा दर्शन हो रहा है हमको, भेद दर्शन हो रहा है। और फिर हमको बता दिया अब शांत बैठ लो और ये ध्यान करो कि अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए खड़े हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब हम पदार्थ भुवन का जो रूप है तत्व रूप उसको अपने हृदय में देखना शुरू कर दिया, और जो पद था श्री कृष्ण उस पद को हमने मंत्र के रूप में स्वीकार किया है। तो जब श्री कृष्ण शरणम मम कहेंगे तो जो व्यक्ति इस साधना के द्वारा सूक्ष्म हो चुका है उसको अपने अंतकरण में श्री कृष्ण के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। और फिर और इससे आगे जब हम जाएंगे जहां ये मंत्र शांत हो गया, हरि ओम मंत्र शांत हो गया, तो ये जो मंत्र की शांति की स्थिति है वहां शब्द रहता है वर्ण के रूप में, वर्ण के रूप में माने वहां किसी भी प्रकार के भिन्न शब्दों का भी निर्माण नहीं हुआ। ये स्थिति जो है इसको कहते हैं जहां साधक और साध्य ये दोनों एकता को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से सूक्ष्मता से जितना हम चलते जाएंगे उतना हम इस उपाधि के त्याग के द्वारा अपने शिव स्वरूप में बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब आप जैसे बैठे वैसे बैठे, कोई किसी प्रकार का विचार न करे पांच मिनट के लिए। अपने आप को डिस्टर्ब मत करना, जस्ट सिट लाइक दैट, डोंट प्रिपेयर, डोंट बॉदर व्हाट एवर इज योर पोस्चर, जस्ट सिट क्वाइट। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, इस स्थिति में सत्ता और चेतना एक है। यह अपना चेतन अस्तित्व हमको प्राप्त नहीं करना,
वही हम हैं। केवल इसके बारे में अवेयर होना, जागृत होना है। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।